अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं नुसरत अली और आप देख रहे हैं ताज़ी स्टोरी। अल्लामा इकबाल बरेसगीर के बड़े नामों में से एक नाम, जिनकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक मशहूर वाकया इस वीडियो के थ्रू आपके साथ बयान करेंगे। अल्लामा इकबाल यूरोप के दौरे पर थे। एक रोज़ शाम के वक्त एक पार्क में बच्चों को खेलते देख कर लुत्फानंदोज़ हो रहे थे। अचानक उनकी निगाह पार्क के कोने में बैठे एक ऐसे बच्चे पर पड़ी जो पढ़ाई कर रहा था। अल्लामा इकबाल को हैरत हुई, क्योंकि वो बच्चों की फितरत और नफ्सियात से बखूबी वाकिफ थे। इसलिए बच्चे को पढ़ता देखकर उन्हें ज़रा ताजुब हुआ। उन्हें अजीब लगा कि एक बच्चा इस माहौल में भी पढ़ सकता है। उन्हें ये बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगा। वो उठकर उस बच्चे के पास गए और उससे बोले, क्या आपको खेलना पसंद नहीं? बच्चे के जवाब ने उन्हें हैरान कर दिया। हम दुनिया में मुट्ठी भर तो हैं, अगर मैं खेलने में वक्त ज़ाया कर दूंगा तो मेरी कौम मिट जाएगी, मुझे अपनी कौम को बचाना है। अल्लामा इकबाल ने हैरान होकर उनसे पूछा, आप किस कौम से हैं? बच्चे ने जवाब देते हुए कहा, मैं यहूदी हूं। ये अल्फाज और ये अज़्म अल्लामा इकबाल के होश फाख्ता हो गए। उनका जहन किसी और ही दुनिया में चला गया और आंखों से बेसाख्ता आंसू बहने लगे। वो यूनान, स्पेन, मिस्र, ईरान की फतेह की कहानियों से लेकर उनको गवाह देने तक की वजूहात का सफर करने लगे। शायद दिल चीख रहा होगा कि हाय मेरी कौम, मैं तुम में शाहीन ढूंढता रहा, लेकिन अकाब तो यहूदियों के घरों में पल रहे हैं। हकीकत खराफता में खो गई, ये उम्मत रवायत में खो गई। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी और पसंद भी आई होगी।